अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ विथ आर फेमस डिंग डोंग केक। अब आप सोचेंगे ये क्या है। दिस इज़ अ वेरी 80s-90s केक। इट्स बेसिकली चॉकलेट केक जिसके बीच में लेयर होता है एक थिक सा कस्टर्ड का, ठीक है, और उसके ऊपर हम चॉकलेट का गनेश डालते हैं। बस एक नाम है, नथिंग टू डू विथ एनी अदर डिंग डोंग्स। चलिए ये क्या है, चॉकलेट, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं पैन में, और उसमें हम क्या डालेंगे, क्रीम। पहले मैं आधी क्रीम डालती हूँ, मुझे इतनी सारी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं मैं केक्स बना के लेके आई हूँ यहाँ, और इसका कस्टर्ड भी बना के लेके आई हूँ। उसको मुझे ठंडा करना था तो फ्रिज में रखा है। केक के बीच में कस्टर्ड आएगा, दूसरा केक ऊपर आएगा और उसके ऊपर गनाश आएगा। बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई करिएगा। अगर आपने थोड़े अरसे पहले, मैंने थोड़े सालों पहले आई थिंक मैंने वूपी केक्स बनाए थे, छोटे छोटे सॉफ्ट से केक्स टाइप होते हैं और उसके बीच में एक फिलिंग होती है, तो उस तरह का ये है, ठीक है। इट्स जस्ट अ बिग केक विथ सम कस्टर्ड एंड गनाश ऑन टॉप। तो जब तक ये गनाश हमारी बनती है और ठंडी होती है ऊपर जाने के लिए, हम केक कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद हम चिकन विंग्स हनी वाले सॉस में स्टिकी सा बनाना सिखाएंगे। वो भी आप मैरिनेट करके अवन में रख सकते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारा अवन बिजी होगा विद द केक्स, तो मैं उसको चूल्हे पर बना लूँगी। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी। आप बस सारे अज्जा लगा के चिकन विंग्स पर रख दीजिए और अवन में रख दीजिए, या फिर आप पतीले में पका लीजिए जैसे मैं पकाऊँगी आज। ओके, चलिए। सो मैं आपको अज्जा बताती चलूँ। मैदा है 1 और 3/4 कप, 2 कप इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 3/4 कप इसमें कोको पाउडर है, 1 चमचा भर के इसमें बेकिंग सोडा है, ठीक है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। प्लीज़, चमचे का मतलब ये नहीं होता है कि ये वाले चमचियाँ नहीं, ठीक है, ये कटलरी सेट में जो आता है ये नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए जो मेजरिंग स्पून हैं वो। अच्छा जी, ये हो गया। फिर हम इसमें 1/2 कप तेल डालेंगे, 2 अदद अंडे जाएंगे, वेनिला एसेंस है और कॉफ़ी है जिसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है। और फिर हम और क्या है, हाँ, बटर मिल्क मुझे बनाना है सबसे पहले। सो यहाँ लेमन जूस और दूध में अंदर आपने लेमन जूस डाल दिया। आज हमारे शो पे है इनेक्स डिलक्स केटल। अगर आपको जीतनी है तो आप जल्दी से 888-1 पे मुझे बताइए बटर मिल्क हमने कैसे बनाया, ठीक है। कितना आसान सवाल है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आप जीत सकते हैं इनेक्स की तरफ से गिफ्ट। गनेश जब भी बनाएं, चॉकलेट एंड क्रीम को जब आप पिघलाएं, तो मेक श्योर करिएगा कि उबाल नहीं आए क्रीम में, ठीक है। बस ये हल्की सी आंच कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। नाउ वी हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर और उसको हमें बेक करने रख देना है। सो 2 अदद अंडे हैं। ये केक मैं इसलिए बना के लाई थी क्योंकि ये केक को लगा था 1.5 घंटा बेक होने में, 2 घंटे ठंडा होने में, फिर कस्टर्ड अंदर बीच में कब जाता, कब हम बनाते ये सब कुछ, और फिर किस तरह आप लोगों को दिखाते। सो आई मेड द केक और कस्टर्ड भी बना के लाई हूँ, ठीक है, और दोनों चीज़ें आपके सामने बनाएंगे, सो डोंट वरी। और नंबर्स हमारे चल रहे हैं अगर आप हमें कुछ कॉल करना चाहें, कुछ कहना चाहें। ओके, अब मैं यहाँ 2 अदद अंडे पहले बीट कर लेती हूँ। चीनी डालेंगे हम, 2 कप चीनी है, अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। कोई भी चीज़ बोल में रह जाए तो उसको निकाल दीजिएगा स्पैचुला से। ड्राई चीज़ें सारी मैं एक दफ़ा डाल दूं मेरे मैदे के अंदर। मैदा है, ये कोको पाउडर है जी, इतना सारा कोको पाउडर जाएगा, जितना लिखा है उतना ही प्लीज़ डालिएगा। ओके, देन वी गॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हर चीज़ को नाप तोल के प्लीज़ मैं ले आती हूँ, तो ये याद रखिएगा। मैं हर चीज़ नाप तोल के रखती हूँ रेडी। आप लोग ज़रा 10 मिनट लगेंगे आप लोगों को टू मेजर एवरीथिंग। और थोड़ा सा नमक, ठीक है, ये जाएगा, ये हटा दूँ मैं। और क्या था, वेनिला एसेंस है एंड बीट दिस प्रॉपरली। पहले तो चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तो तेल, कॉफ़ी, दूध और फिर ड्राई चीज़ें जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और कोको पाउडर।
ये बच्चों के बर्थडे पार्टीज के लिए एक आइडियल केक है। बीच में कस्टर्ड नहीं भी डालना है, कोई बात नहीं, नहीं डालिए। टर्न्स आउट रियली नाइस बिकॉज इसमें सोडा कितना ज़्यादा था ना। बटर मिल्क भी जो आपने बनाया है ना उसको भी ज़रा स्टर कर दीजिए। लेमन जूस और दूध। ये तेल चला गया आधा कप। कॉफ़ी है ये। और ये दूध जो है वो हम डालेंगे। एंड दिस। फिर दो टिन्स लीजिएगा। बीच में से मैंने काटा नहीं है, ठीक है, एक टिन में नहीं किया है। दो टिन्स लीजिएगा इस तरह के। पेपर लगा दीजिएगा, ग्रीस कर दीजिएगा। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल से हमने इसको ग्रीस कर दिया था और अब इसको हम बेक करने रख देंगे। अब ये सारी चीज़ें, एक दफ़ा आपने किसी भी चीज़ में बेकिंग सोडा डाल दिया फिर उसको यहाँ काउंटर पे ज़्यादा देर के लिए रखिएगा नहीं, फिर उसको फ़ौरन आपने बेक करने रख देना है, ठीक है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। अच्छा, गनाश जो है, आई डोंट वांट कि गनाश बहुत ज़्यादा पतली रहे, तो इसलिए मैंने, देखें, इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की, ताकि ये ऊपर स्प्रेड हो सके। लेकिन थोड़ा सा इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, सो आई विल पुट इट इन द फ्रिज। फ्रिज खोला तो मुझे याद आया, ये कस्टर्ड दिखा लेते हैं। देखें, मैंने कस्टर्ड बना दिया है। कस्टर्ड कैसे बनाएंगे हम वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। कस्टर्ड को फ्रिज में हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बिकॉज़ वो ठंडा होगा तो ही वो बीच में बैठेगा ना, दोनों लेयर्स के। अच्छा जी, अब ऐसे करना है मुझे कि मुझे इसको मिक्स करना है और ये थोड़ा थोड़ा दूध जो है, बटर मिल्क बन चुका है, उसको हमें डालना है और हमें इसको बेक करने रख देना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे, क्लीन अप करेंगे, केक को डेकोरेट करेंगे। और आपने अगर जीतना है डिलक्स केटल एनएक्स की तरफ से तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे। क्या पूछा था मैंने, हैं, मैं खुद ही भूल गई, लुक एट मी, बादाम खाने पड़ेंगे। क्या पूछा था, सीरियसली कोई तो हेल्प कर दो, भूल गई। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। फिर याद करते हैं ब्रेक में कि भाई मैंने क्या पूछा था। आप लोग लीजिए ब्रेक, मुझे भी ब्रेक चाहिए। वेलकम बैक। याद कराया है मुझे ब्रेक में कि बटर मिल्क कैसे बनता है, ये सवाल था। ओह माय गॉड, देखें मुझे कैसे बनाते हैं बटर मिल्क। जी, मैं सोच रही थी कि क्या पूछा था, भूल ही गई बिल्कुल। ठीक है, आप लोग 8881 पे SMS करिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छी तरह सारा बटर मिल्क अंदर डाल के केक के अज्जा के साथ मिक्स करके ग्रीस किए हुए दो टिन्स में आप रखिए। 35 से 40 मिनट तक ये केक बेक हो जाएगा। ओके, अब हम बनाते हैं। ट्राई एंड सी के इक्वल आपने इसमें भरा हुआ हो। अब ये बेक होगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर कस्टर्ड इसमें जाएगा। ठीक है, ये हो गया, देखें। चलो जी, अब हम ये गनाश मैंने फ्रिज में से इसलिए निकाल दिया था बिकॉज फिर ये बहुत ज़्यादा जम जाती, फिर क्या करते हम, फिर दोबारा मेल्ट करना पड़ता, सो फ्रिज में से मैंने निकाल दिया था। नाउ यहाँ दूध है, एक कप दूध है, उसमें हम 5 चमचे भर के वो डालेंगे, क्या, मैदा। और इसका जैसे वाइट सॉस नहीं बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ठीक है, विस्क चलाएंगे ताकि कोई भी चीज़ वो लम्प्स ना रहे। अच्छा, डिलक्स केटल एनेक्स की तरफ से बटर मिल्क कैसे बनता है वो बताइए। 8881 पे मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा।
अच्छा, मीनवाइल आपने क्या करना है, ये तो मैंने कस्टर्ड बनाया है, अभी इसको यहाँ साइड में रखते हैं। यहाँ है मेरे पास एक कप चीनी और एक कप मक्खन और वेनिला एसेंस, इसको हमें करना है बीट। ठीक है, तो वाइट सॉस जब ठंडा होगा तब हम इसमें डाल देंगे। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, फरमाइए जी, बोले। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने पहली दफा कॉल किया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद हमारे शो में। मैं से बोल रही हूँ। अच्छा जी, जवाब दीजिए, सवाल हमने पूछा है कि बटर मिल्क कैसे बनाया मैंने आज। सॉरी, आज मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी देखा शो। अच्छा, बटर मिल्क कैसे बनाते हैं, सोचें कितनी दफा बना चुकी हूँ शो पे। दूध में क्या डालते हैं? दूध में लीमू। मुझे नहीं, सॉरी पता। अच्छा चलिए, सोच के, आप सोच के SMS कर लीजिएगा, ठीक है जवाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके चले, अब हम एक कप मक्खन इसमें डाल के इसको हमें बीट करना है अच्छी तरह। इसमें हमने वेनिला एसेंस डालना है, चीनी डालनी है, और जब ये व्हाइट सॉस ठंडा हो जाएगा वो डालेंगे। फिर ये गाढ़ा सा कस्टर्ड आपको इसको सेट करना है, ठंडा करना है, फिर केक के बीच में लगाना है। ठीक है, ये तो अभी बहुत ही गर्म है, विल हैव टू वेट कि ये ठंडा हो जाए पहले, फिर पिसी हुई चीनी और मक्खन को बीट किया आपने, एक कप मक्खन और एक कप चीनी, वेनिला एसेंस डाला और यहाँ आपने 5 चम्मचे मैदे के एक कप दूध में विस्क के साथ मिक्स कर दिया, गाढ़ा हो गया तो ये इसमें जाएगा और आप इसको करेंगे बीट। मैं अभी कर देती हूँ बिकॉज आप लोगों को दिखाना है, मुझे चिकन विंग्स ही बनाने हैं। कॉलर है जी, हेलो। लाइन हमारी कट गई, सॉरी, दोबारा प्लीज ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आपका कस्टर्ड रेडी हो गया। अब इस कस्टर्ड को आपने फ्रिज में रखना है और अच्छी तरह ठंडा करना है। मीनवाइल मेरे पास जो यहाँ कस्टर्ड है वो केक के ऊपर हमें रखना है। उसको आपने फ्रिज में रखना है, उसको आप बिल्कुल भी गरम गरम इसके बीच में रख नहीं सकेंगे। ठीक है, सो केक के ऊपर आपने इसको बिछा दिया। और बिकॉज इसके ऊपर दूसरा केक आएगा अभी, तो व्हाट यू नीड टू डू इज इस तरह पूरा केक आपने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, और अब आपने इसके ऊपर गनाश डालनी है। गनाश हमारी यहां है, तो चॉकलेट एंड क्रीम है सिर्फ ये गनाश में। ठीक है, ये हो गया और फिर आप इसको टर्न टेबल हो तो अच्छी बात है, वरना मेरी तरह इस तरह
आप इसको स्प्रेड कर दीजिएगा एंड्स तक, ठीक है। एंड योर डिंग डोंग केक इज़ रेडी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ से साइड से फिर हम ज़रा नीट कर लेते हैं इसको। चलिए, दिस इज़ डन। इसको आपने ठंडा करना है, ये जो कस्टर्ड बना है ना, इसको आप ठंडा करेंगे, इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद ये बीच में आप लेयर कर सकेंगे। और इसी तरह करिएगा, साइडों पे कुछ नहीं लगाइएगा। जब आप काटेंगे तो नीचे केक, बीच में कस्टर्ड, फिर केक का थिक लेयर्स होंगे केक के, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ये गनाश। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, बहुत सारा हमें सफाई वफाई करनी है, फिर हम आके चिकन विंग्स बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई करिएगा और स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज़। बटर मिल्क कैसे बनाते हैं वो आप लिखिएगा 8881 पे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आप जीत सकते हैं एनएक्स की तरफ से ये डिलक्स केटल। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला TV। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ ऑन मसाला TV और मैं हूं आपकी जारनक सिद्वा। चिकन विंग्स बनने जा रही हैं। चिकन विंग्स अगर आपको रखनी है विद द स्किन तो स्किन ऑन रखिए, स्किन निकलवा दीजिए, लॉलीपॉप्स बनवा दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब इसमें हमने नमक डालना है, कुटी हुई काली मिर्चें डालनी हैं, ठीक है जी, ये डाल देते हैं। और हमने इसमें चावल का सिरका डालना है, राइस विनेगर, ठीक है जी। इसको आप ऐसे करके रख दीजिए और हम यहाँ फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल पहले गरम करते हैं और फिर मैं इसमें ये डाल के फिर मैं आप लोगों को रीकैप करूं ऑफ द डिंग डोंग केक। नाउ बीच में का कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए और अगर अच्छी तरह आपने उसको फिटा होगा तो आप उसको थिक लेयर में भी लगा सकते हैं बीच में, ठीक है। और फिर आप उसके ऊपर वो दूसरा केक रख दीजिएगा और उसके ऊपर गनाश, और इसी तरह रखिएगा। गनाश को साइडों में नहीं लगाते हैं इस पर, ठीक है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। अब चिकन विंग्स के लिए मैंने यहाँ 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं, राइस वाइन विनेगर लिया है, शहद है, नमक, काली मिर्चें और तेल, दैट्स इट। बस ऊपर से धनिया जाएगा फॉर डेकोरेशन, ठीक है। सो ये सब कुछ आप सब कुछ लगा के चिकन विंग्स पे प्लीज़ मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा। मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि यहाँ तो टाइम नहीं होता है मैरिनेशन का, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा सिरका लगा के उसको छोड़ दिया था ताकि जल्दी गल जाएं, क्योंकि बाज़ वक्त चिकन विंग्स जल्दी नहीं गलती। अब इसको मैं ढक्कन ढाँक देती हूँ, फिर मैं जब आधी पक जाएंगी तब मैं इसमें शहद डालूंगी, वरना अभी से डालने की वजह से फिर शहद डालने की वजह से बहुत ज़्यादा वो नीचे लग जाती हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, बहुत चीज़ें भी ट्राई कर चुकी हूँ। आगे मैंने ईद के शो भी देखे थे, उसमें आपने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी। थैंक यू जी, देखते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया। और कुछ? मैं आज शोर का जवाब दूंगी जी। आपने बटर मिल्क दूध के अंदर जो है ना लेमन जूस को स्क्वीज कर दिया था और फिर उसके बाद वो बटर मिल्क बन जाता है। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चॉकलेट केक के लिए मैंने क्या किया था, 1 और 3/4 कप मैदा लिया था, 2 कप पिसी हुई चीनी थी, 3/4 कप कोको पाउडर था, ठीक है। 3/4 कप ही लीजिएगा तो ही ये डार्क कलर आएगा। 1 चमचा भर के बेकिंग सोडा था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1 टीस्पून नमक था और 1 कप दूध में मैंने आधे नींबू का जूस डाल के उसको बटर मिल्क बना दिया था, 1/2 कप तेल था, 2 अदद अंडे थे, वेनिला एसेंस था 1 चमचा भर के, और मैंने हॉट कॉफ़ी लिखी है 1 कप, लेकिन मैंने 1/2 कप पानी में 1 से 2 चम्मच कॉफ़ी के डाले थे। कॉफ़ी डालना बहुत ज़रूरी है इन चॉकलेट केक्स, बहुत अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर निकल उभर के निकलता है। दूध मैंने लिया था 1 कप, अब फिलिंग का बता रही हूँ। फिर उसमें मैंने 5 चमचे मैदे के डाल दिए थे, वेनिला एसेंस डाला था और उसको अच्छी तरह पका लिया था, ठीक है। फिर वो गाढ़ा जब हो गया तो उसको ठंडा करना है आपने, और 1 कप मक्खन को बीट करिएगा, उसमें 1 कप चीनी डालिएगा, ये वाइट सॉस जो मक्खन और मैदे वाला हो जाए ठंडा, वो डाल के इस कस्टर्ड को 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा, फिर निकालिएगा, बीच में इस तरह सैंडविच कर दीजिएगा दोनों केक्स को, और ऊपर सिर्फ चॉकलेट एंड क्रीम का गनाश है जो ऊपर सिर्फ स्प्रेड होगा। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो, मुबारक। हेलो हेलो जरा जी,
कैसी हैं आप? ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ, आप सबको भी ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। ईद तो खैर ईद होती है, लेकिन ये गुजर गई, काफी दिन हो गए आप लोगों से ऑनलाइन से बात ही नहीं हुई ना ईद वाले दिन। जी जी। अच्छा, दूसरे ये कि एक तो मैं सवाल का जवाब दूंगी आपको। जी। आपने तो दूध को बॉईल करके उसमें हल्का मतलब नीम गरम करके उसमें लेमन जूस डाल दिया था। नहीं। हेलो। मैंने नहीं नीम गरम कर किया था, मैंने ऐसे ही डाला था। अच्छा, बहरहाल दो तीन चार तरीकों से करते हैं, मैं तो करती हूँ ना, तो थोड़ा सा गर्म करके ही अच्छा, करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, आप अपने तरीके से करें। चार तरीके से करते हैं। अच्छा, कौन सा है तीसरा और चौथा? देखे, एक योगर्ट से भी करते हैं, योगर्ट भी डालते हैं। अच्छा। जिससे बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना सिरका डालते हैं। अच्छा। और लेमन जूस डालते हैं, और एक होती है टाटरी। अच्छा। हाँ, तो उससे भी जो है ना बनाते हैं ये। अच्छा, मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ हमेशा लेमन जूस या सिरके से बनाया है। टाटरी डाल के आपने कैसे बनाया? टाटरी कैसे डाली? टाटरी जो है ना, जैसे एक किलो दूध है तो उसमें जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना आप टाटरी डाल दें। अच्छा। तो उससे दूध फट जाएगा। हाँ, मगर वो फिर टेस्ट अजीब सा नहीं आएगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही रहता है। अच्छा। नहीं नहीं, चले डालते काम है ना, हम भी हर चीज हर रोज कुछ नया सीखते हैं, तो आपसे आज हमने ये सीखा, मैंने कभी वैसे बनाया नहीं है ऐसे। आई होप के वैसे मैं विन करूं आज, क्योंकि मुझे काफी टाइम कहना चाहिए कई सालों के बाद मेरी बात हुई है। अच्छा। 3 साल 4 साल के बाद से हो रही है। अच्छा। मैं इतना ट्राई भी करती थी, नहीं मिलता था, फिर बिजी होती हूँ तो इस वजह से जो है ना मौका ही नहीं मिलता फिर बात करने का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कौन जीतता है क्या आज, ठीक है? ओके, चलिए बस ये हो जाएगा। आप लोग सब कुछ मैरिनेट करके चिकन विंग्स को एक फ्लैट ट्रे में रख के अवन में रख सकते हैं। खुशबू आ रही है, केक की भी मुझे निकालना है, केक को भी। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि ये किस तरह बनेगा। पहले केक का बैटर बना के केक को बेक कर दीजिएगा, 2 टिन्स में सेम साइज़ के हों, और देखिएगा कि आप सेम मेजरमेंट डाल मतलब सेम क्वांटिटी आप दोनों टिन्स में डालें। उसके बाद फिर कस्टर्ड बनाइएगा, बिल्कुल ठंडा करिएगा कस्टर्ड को, केक को 2-3 घंटे के बाद आप इसको डेकोरेट करिएगा यूजिंग गनाश ओनली ऊपर, सिर्फ इस तरह, और कुछ नहीं डलता है इसमें, सिर्फ एक थिक लेयर केक की, कस्टर्ड, फिर केक, फिर गनाश, बस और कुछ नहीं, ठीक है? इसको ऊपर कुछ नहीं डालिएगा, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेशन भी अच्छा नहीं लगता है। कॉलर है, हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाएं। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। आपके सवाल का जवाब देना था जी, लेमन के साथ होता है, सिरके के साथ होता है ये बटर मिल्क बनता है। ओके ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू। लकी ड्रॉ में शामिल करना हमें, जरूर करते हैं सबको, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए अब टाइम टू पुट इन द शहद। चावल का सिरका नहीं हो, और अगर आम हमारा सिरका रेगुलर सिरका यूज कर रहे हैं तो कम डालिएगा, ठीक है? ये शहद, इसी से स्टिकीनेस आएगी, स्टिकी विंग्स बना रहे हैं हम। ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ विंग्स को डीप फ्राई कर दें, फिर ये सॉस ऊपर से डाल दें, बहुत सारे तरीकों से आप बना सकते हैं। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि विंग्स अच्छे से पक जाएं, और जब ये सॉस इसका पूरा सूख जाएगा तो स्टिक हो जाएगा, विंग्स के ऊपर कोट कर देगा। तो मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें और चावल का सिरका डाला, और मैंने इसमें शहद डाला है, और कुछ नहीं है, बस फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा सॉटे कर दीजिएगा, धनिया के साथ गार्निश कर दीजिएगा। केक देखने चलते हैं, अवन की तरफ और ब्रेक की तरफ भी चलना है हमें, ठीक है? ओके, अभी नहीं हुए हैं, ये देखें, ठीक है? अभी नहीं हुए हैं, 35 से 40 मिनट लगेगा इसको, सो अभी ये साफ नहीं है स्कूअर, तो हम विल टेक अ ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, ये मैंने अब ढक्कन हटा दिया है, बिकॉज़ आई वांट कि ये जो सॉस है वो इसमें अच्छी तरह स्टिक हो जाए, जज्ब हो जाए। देखें, चिकन विंग्स आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है? जो थिक पार्ट होता है ना विंग्स का, उसमें इस तरह
कांटा या छुरी डाल के देख लीजिएगा, कच्ची नहीं सर्व करिएगा चिकन प्लीज़। सो वेरी सिंपल, नमक, काली मिर्चें, शहद, राइस विनेगर, चिकन विंग्स को आप बस सॉटे कर दीजिए फिलिप पेपेरी ऑलिव ऑयल में और बस ये सारी चीज़ें लगा के आप उसको चूल्हे पे पकाएं, अवन में रख दें, वॉट एवर यू वॉन्ट। क्रिस्पी करनी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको अलग से सिर्फ मैदा लगा के, नमक मिर्च लगा के डीप फ्राई कर दीजिए या एयर फ्राई में डाल दीजिए, उसको निकालिए और फिर ये सॉस उसके ऊपर डालिए, लेकिन सॉस हैज़ टू बी स्टिकी इनफ, ठीक है? तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है, इतना पकाइएगा कि देखें ये इस तरह अच्छे से कलर भी आ जाए। केक भी हमने बना लिया है, वो वाला जो केक आपके सामने मैं बना रही हूँ, बेक कर रही हूँ, उसको टाइम लगेगा 35 से 40 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगेगा। फिलिंग का दोबारा बता दूँ, अगर आपको सिर्फ थिक अंदर वाइट नज़र आए वो करना है तो फिर आप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम बहुत सारी व्हिप करके वो एक थिक लेयर ऊपर रख सकते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है? अगर ये आपको कस्टर्ड नहीं बनाना है और ईजी आपको करना है तो रेगुलर वाली क्रीम इसमें बीच में नहीं रहेगी, क्रीम में फिर आपको जेलेटिन या कुछ डालना पड़ेगा ताकि एक थिक लेयर अंदर रहे ऐसे। कॉफ़ी, वेनिला एसेंस, 2 अदद अंडे, तेल, दूध जिसमें मैंने लेमन जूस डाला था, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, पिसी हुई सफ़ेद चीनी, मैदा, इससे हमने आज केक बनाया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से ऑफिशियल मसाला टीवी का जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर सारी रेसिपीज़ हमारी अप टू डेट हैं, फोटोज सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगी। और मैं भी कुछ रेसिपीज़ की तस्वीरें अपलोड कर देती हूँ अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे, वो भी देख लीजिएगा, और मसाला के पेज पे भी आ जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट मसाला टीवी फूड मैग एज वेल, ये है ना यहाँ जुलाई का शुमारा, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है सो यू नीड टू गेट योर कॉपी, ठीक है? एंड इसमें तो ये ईद उल अज़हा का स्पेशल था, सो ऑब्वियसली इसमें सारे ईद के रेसिपीज़ थे गोश्त के हवाले से सारे। अच्छा, एक और कॉलर हैं जी। हेलो जी, मैं कौशल बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके सवाल का जवाब देती हूँ। पहले जी आपने दूध में लेमन जूस डाला था, ओके, ठीक है ठीक है, और दूसरे के आई होप कि मैं विन करूँ, मुझे बहुत शौक है विन करने का। खैर देखते हैं कौन जीतता है जी, डिपेंड्स ऑन योर लक, वो तो किस्मत है, सही कहते हैं जी। बिल्कुल, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बस थैंक यू मसाला वाले सारे ही, थैंक यू जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है। और दूसरे ये कि सारी रेसिपी भी अच्छी होती है, और ये वैसे चिकन विंग्स जो है ना मैंने कल बनाए थे। अच्छा, आपने कैसे बनाई? मैं तो खैर वो मसाले में जैसे कढ़ाई गोश्त की तरह बनाते हैं ना, इस तरह से बनाई थी। ओके ओके ठीक है, और ये आज ट्राई करके देखूंगी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम। जी जी, नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में विंग्स स्किन के बगैर नहीं खाते नहीं, वो हैं, फिर विंग्स जब भी लेने होते हैं ना उसी टाइम ताजे ले आते हैं। नहीं नहीं, मगर कुछ लोगों को विंग्स के स्किन अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, तो डिपेंड्स आपके घर में किस तरह खाते हैं उस तरह फिर करें। नहीं नहीं, वो स्किन वाले नहीं होते हमारे यहाँ। बहुत सारे लोगों को स्किन के बगैर, लेकिन पता है क्या, स्किन के साथ आप अगर चिकन पकाएंगे तो अंदर से जूसी रहेगा, खाते वक्त बेशक आप स्किन निकाल दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर जूसी रखना है चिकन को, हम रोस्ट भी करते हैं पूरा फुल चिकन रोस्ट, तो उसको अगर आप स्किन के साथ रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग, हमने ईरान में खाई है ये जूसी चिकन। अच्छा जी, ओके, क्योंकि वहाँ पे वो लोग स्किन नहीं उतारते ना। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ये देखें, सॉस कम हो रहा है, जैसे जैसे कम हो रहा है हमारी विंग्स रोस्ट हो रही हैं, बिकॉज कलर भी इतना देखें अच्छा आ रहा है बिकॉज ऑफ द हनी, और तो मैंने कुछ नहीं किया है। इसको चलाते रहिएगा कि इक्वली इवनली हर जगह से ये रोस्ट होती जाएं, कलर अच्छा सा आए और पक भी जाएं। पक तो गई हैं इसलिए जल्दी से पक गई चिकन विंग्स, बिकॉज मैंने सुबह में चिकन विंग्स का पैकेट खोल के बड़े से पतीली में बहुत सारा पानी डाल के चिकन विंग्स को अंदर सोक करके 1 से 2 चमचे भर के सिरका डाला था। इसको आपको मैरिनेट करना ज़रूरी है, मैं आप नहीं करिएगा, आप लोग नहीं करिएगा, आप लोग तो इसमें ये डाल के ओवरनाइट रखेंगे फिर आप लोग इसको पकाएंगे, राइट? फिर डबल सिरका हो जाएगा, फिर आप उसको धो दीजिएगा। अगर आपको मेरी तरह जल्दी है तो फिर आप इस तरह करिएगा, ठीक है? अभी वापस केक को चेक करने में वहाँ चलूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि फिर ओवर बेक हो जाए। ये वाला हो गया है, दोनों हो गए,
गुड, तो इसको हम निकाल देंगे। जाली पे आपने इसको रखना है 3 से 4 घंटे, बिल्कुल ठंडा हो जाए। केक को अगर अंदर से भी हल्का सा वार्म होगा और आप कुछ भी आइसिंग वाइसिंग करेंगे तो फिर वो बह जाएगी। अगर ये ज़रा भी ठंडा नहीं होता, अभी मैं निकाल के करती तो कैसे करती, राइट? सो एनी वेज, नाउ आई थिंक वी शुड टेक अनदर ब्रेक। और देखिए इतनी अच्छी तरह ये चिकन विंग्स हमारी कलर आ गया है, इतने अच्छा रोस्ट हो रहा है। बस इसको ऊपर नीचे आप करते रहिएगा, ठीक है? एक कॉलर है, हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और ये, हाँ, और ये जो आपने केक बनाया है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बना है। मैंने इससे पहले भी केक ट्राई किया था, बहुत अच्छा मेरा बना था। थैंक यू जी, ट्राई करते रहिएगा हमारी सारी रेसिपीज, ठीक है जी? और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने दूध में लेमन डाला था? ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुद हाफिज। नाउ शुड वी टेक अ ब्रेक? ओके, आप लोग अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से आप 888-1 पे मुझे बताएंगे बटर मिल्क मैंने किस तरह बनाया था। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। डिंग डोंग केक, अच्छा, मैदा 1/3 कप, इसे चीनी 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, बेकिंग सोडा 2 चाय के चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बटर मिल्क 1 कप, तेल 1/2 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चम्मच, हॉट कॉफ़ी 1 कप फिलिंग के लिए, मैदा 5 खाने के चम्मच, दूध 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 कप, इसे चीनी 1 कप, गनाश बनाने के अज्जा, चॉप चॉकलेट 16 औंस, क्रीम 16 औंस। तरकीब, चॉकलेट के लिए एक बोल में मैदा, पिसी चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक डाल के मिक्स करें। फिर दूसरे बोल में बटर मिल्क, तेल, अंडे, वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खुश्क मिक्सचर गीले मिक्सचर में डालें और फोल्ड करते जाएं। अब इसमें कॉफ़ी शामिल करके मिक्स करें। फिर इस बैटर को 8 इंच के गोल ग्रीस किए हुए पैन में डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट बेक करें। उसके बाद केक को ओवन से निकाल के 30 मिनट छोड़ दें। केक को पैन से निकाल कर रैक पर रख के ठंडा कर लें। फिलिंग बनाने के लिए सॉस पैन में दूध डालें और मैदा शामिल करके विस्क करें और इतना पका लें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इसे चूल्हे से हटा के वनीला एसेंस डालें और इस मिक्सचर को ठंडा कर लें। उसके बाद मक्खन और पिसी चीनी फेंट कर दूध का मिक्सचर शामिल करें और अच्छी तरह फेंटें। गनाश बनाने के लिए सॉस पैन में क्रीम गर्म करके चॉप चॉकलेट डालें और चंद मिनट इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। आखिर में इस गनाश को केक पर डाल के सर्व करें। स्टिकी विंग्स, अच्छा, चिकन विंग्स 1/2 किलो, राइस विनीगर 2 से 3 खाने के चम्मच, शहद 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, गार्निश के लिए हरा धनिया इस पे ज़रूरत। तरकीब, राइस विनीगर, शहद, नमक, काली मिर्च, तेल और चिकन विंग्स मिक्स करके मैरिनेट कर लें और 3 घंटे फ्रिज में रख दें। उसके बाद मैरिनेशन और विंग्स को बेकिंग ट्रे में फैला के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट बेक करें, ये जब तक कि वो स्टिकी और गोल्डन ना हो जाए। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक, एनिक्स का गिफ्ट चकवाल से जैतून जीती हैं। लज्जत में आज 5 बजे लाइव बलोची राइस, दलिया की फिरनी और बलोची चिकन सज्जी बनेगी। कल मैं बना रही हूँ खोपरा पैटीज। खोपरे से कैसे बनाते हैं पैटीज देखिएगा। और फ्लावरलेस ब्राउनी कुकीज़ बना रही हूँ, ठीक है? ये विंग्स देखें, पूरा सॉस हमने इसी में अब्सॉर्ब होने दिया, रिड्यूस कर दिया हमने, पानी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। ढक्कन ढाँक के पका लीजिएगा। अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी हो तो आप चिकन विंग्स को या कोई भी चिकन बना रहे हो उसको ब्राइन कर दीजिएगा पानी और सिरके के अंदर रख के, छोड़ दीजिएगा 4-6 घंटे, लेकिन फ्रिज में, ठीक है? मैंने बाहर नहीं रखा था, फ्रिज में रख दीजिएगा। क्लिंग लगा के एक बड़े से बोल में पानी डाल के, ताकि पूरे चिकन या पूरे चिकन विंग्स अंदर सोक हों,
तो फिर जल्दी वो पक जाते हैं। फिर निकालिएगा और फिर जो भी मसाला लगाना है वो लगा के पकाइएगा। जल्दी भी चिकन पक जाएगी, जूसी भी रहेगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। बाज़ वक्त विंग्स अंदर से कच्चे रह जाते हैं, स्पेशली जब हम फ्राई करते हैं। तो अगर फ्राई कर रहे हैं, चिकन ब्रोस्ट बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप चाहते हैं कि कोई भी हड्डी वाला पीस कच्चा ना रहे, तो इस तरह करिए, ठीक है। और ये जो डिंग डोंग केक है, जो नाम पे मुझे बहुत ही बातें लोगों ने सुनाई कि ये किस किस्म का केक है, क्या बनता होगा इसमें। डिंग डोंग केक इज़ अ वेरी फेमस केक। अगर आप लोग पढ़ेंगे कभी किताब, कोई कुक बुक या नेट, तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं आपको अलग अलग चीज़ें सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए फूड डायरीज़ के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों के घरों में नई नई चीज़ें, आप लोगों के किचन में, आपके टेबल में, आपके घर पर नई चीज़ें बने। आई वॉन्ट टू डू दैट। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, और आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, और कल मुलाकात होगी आपकी और मेरी लाइव 3:30 बजे, तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़ टुमारो, ठीक है जी। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।